सो हम लोग एक सीरीज पे काम कर रहे थे कि गूगल जैसा सर्च इंजन वेबसाइट कैसे क्रिएट किया जाए, और उसको फॉलोअप करते हुए ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 4 लेक्चर्स को पोस्ट कर चुका हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ, तो आप जो भी सर्च करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो अब तक हमने क्या कर लिया, अब तक हमने ये वाला पेज क्रिएट कर लिया है, हमने वेबसाइट्स को ऐड करने के लिए एक पेज क्रिएट कर लिया, और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वो करके दिखा दिया। आई गेस 36 मिनट का लेक्चर था। सो हमने ऐड वेबसाइट के लिए पेज भी बना लिया, उसका बैकएंड भी बना लिया, और वेबसाइट्स को ऐड भी कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि हम लिखे और सर्च पे क्लिक करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, ठीक है। सो जितना कवर हो पाएगा मेरे पास एक लेक्चर के अंदर, मैं वो आज के लेक्चर के अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इस तरीके का किया था अपने डेटाबेस के अंदर। हाँ, मैंने वेबसाइट के वीडियो के अंदर सिर्फ एक एंट्री पास की थी लास्ट लेक्चर में, और आपको ये कहा था कि उसी तरीके से आप बाकी चीज़ों की एंट्रीज को पास करके रखेंगे, वेबसाइट के टाइटल, लिंक, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शंस और इमेजेस। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बोला हुआ था, राइट। सो उसको फॉलो अप करते हुए मैंने ये सारा कुछ यहाँ पे पास करके रखा हुआ है, ठीक है। सो मेरा जो डेटाबेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे मेरे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, और मैंने अपने टेबल फोल्डर के अंदर सारे इमेजेस भी इंसर्ट कर लिए हैं जो भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया उसके अकॉर्डिंग। सो मेरे पास ये सारे इमेजेस हैं। एक बार आपको रिपीट कर दूं कि इस सीरीज के दौरान मैं बहुत सारे कोडिंग करने वाला हूं और बहुत ही एचडी इमेजेस यूज करने वाला हूं। सो डेटाबेस की फाइल और सारी फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन, आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 49 रुपीज़ है सिर्फ। आपको ये सारे के सारे कोड मिल जाएंगे विद इमेजेस। सो हमें अब सर्च के ऊपर काम करना है, फाइनल रिजल्ट के ऊपर, और इस सीरीज को वाइंड अप करना है एडमिन लॉगिन लॉगआउट सिस्टम बनाने के बाद। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट कैसे बनाना है, यूट्यूब जैसी वेबसाइट कैसे बनाना है, HTML, PHP सबके आपको सीरीज मिल जाएंगे। और मेरे सेकंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं ऐड वेबसाइट को ही कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम रख दिया मैंने रिजल्ट, ठीक है। तो इसका नाम हो गया रिजल्ट डॉट PHP। राइट क्लिक करके इसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम लोग ओपन कर लेते हैं ना। सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो मुझे इतना लेआउट क्रिएट करना है, राइट। सो उसको हम बनाते हैं पहले तो, और ये जो भी है मैंने कर दिया इरेज, और HTML हमने बेसिक स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहां पे आ गया हमारे पास रिजल्ट पेज है, ऑल राइट। सो मैंने इसको सेव किया, और पहले हम इतने को ही टेस्ट करके देख लेते हैं कि सक्सेसफुली हमारे पास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अभी आपको दिखाऊं तो सर्च करने पे आपको बोलेगा प्लीज राइट समथिंग इन द बॉक्स, हम इस पे काम कर रहे थे। तो करंटली ये खाली है, और हमने अभी बनाया है रिजल्ट डॉट PHP, राइट। सो आ गया रिजल्ट बाय साइबर वॉरियर्स, ठीक है, करेक्ट काम कर रहा है। हम आगे का कोड करना तैयार कर सकते हैं ना। बॉडी टैग में आप आ जाएंगे और यहां पे लगाएंगे आप एक फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर जो आपका एक्शन होगा उसको आप खाली छोड़ देंगे। मेथड हम यूज करने वाले हैं गेट, पिछले बार हमने पोस्ट यूज किया था, अब हमें वैल्यूज को मंगाना है। हम क्या चाहते हैं कि रिजल्ट के ऊपर आंसर कहां से आएगा, यहां पे गेट करेगा ना वो, जो भी यहां पे लिखा हुआ है उस वैल्यू को मंगा और सर्च कर। डेट्स वाई हम यहां पे यूज कर रहे हैं गेट मेथड को, ठीक है। इसके बाद मैंने क्रिएट कर दिया एक टेबल। नाउ टेबल का कुछ ना कुछ बॉर्डर होगा, तो बॉर्डर स्टार्टिंग में रख लेते हैं 3। टेबल का कुछ ना कुछ विड्थ होगा, तो विड्थ, और मैं रख लेता हूं विड्थ को 100%। जरूरत पड़ेगा तो कम या ज्यादा हम उसको अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। और कर दिया मैंने इसको सेव। टेबल के बाद हमें चाहिए होता है एक TR, और TR के अंदर हमें चाहिए एक बॉक्स जो कि बनेगा TD से, राइट। ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर मैंने लगा लिया HREF इक्वल्स टू इंडेक्स डॉट PHP। ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर के अंदर समझा दूंगा। और इसके बीच में लगा दिया मैंने मेस टैग IMGSRC इक्वल्स टू सर्च लोगो टू डॉट PNG, ये फाइल मैंने उसको दिया, ठीक है। और जो फोटो है उसका विड्थ भी मैं यहां पे दे देता हूं 100%।
अगर मैं सिर्फ इतना सेव करके आपको चेक कराऊं ना कि क्या हुआ है, तो इससे हमारे पास एक फोटो है यहां पे, ठीक है। सो हमारे पास ये लोगो आ चुका है जिसका विड्थ मैंने 100% किया हुआ है राइट नाउ। अब हम टेबल को थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं जिससे ये थोड़ा सा सही हो जाए और इमेज वगैरह भी करेक्ट रहे। तो ये जो टीडी है ना, इसका विड्थ हम सेट कर देते हैं कि पहला वाला जो बॉक्स है ना उसको 10% रखे। तो इससे वो 10% पे अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आ गया इंडेक्स डॉट पी एच पी, सर्च लोगो टू, और इसको कर दिया हमने 100%, ए क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया है अपना टीडी ये। इसके बाद दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो, मैंने उसके लिए बना लिया एक नया टीडी, और उसके अंदर मैंने बोला कि एक इनपुट टाइप रहेगा। क्या रहेगा उसका टाइप? टेक्स्ट। नाम क्या है आप करंटली खाली छोड़ सकते हैं, और एक आईडी दे देता हूं क्योंकि मैं एक सीएसएस बनाने वाला हूं इसमें। तो आईडी दे दिया मैंने सर्च फील्ड, ये आप जो मर्जी रख सकते हैं ऊपर, जिस नाम से आप सीएसएस बनाएंगे वो रहेगा ये। और फिर से एक इनपुट दे दिया मैंने सबमिट, जो हमारा बटन होने वाला है। बटन का क्या नाम होना चाहिए फिलहाल मैं खाली छोड़ रहा हूं, और बटन के ऊपर मैसेज क्या शो करना है, वैल्यू। तो मैंने कहा कि भाई गो शो करना है उसके ऊपर, कि हाँ, या तो आप सर्च भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बटन का क्या आईडी है, मैं फिर से इसका भी एक सीएसएस बनाने वाला हूं, तो मैंने कर दिया गो बी टी एन, गो बटन है इसलिए गो बटन कर दिया मैंने उसको, ठीक है। और फिर इसके बाद टी डी क्लोज, टी आर क्लोज, टेबल क्लोज। उसके बाद आप सेव करेंगे और यहां पे आके रिफ्रेश करेंगे, तो क्योंकि हमने इसको बना दिया तो वो आपका करेक्ट हो गया, और ये कुछ इससे मिलता जुलता आप नोटिस करेंगे तो सब कुछ करेक्ट है। अब करना क्या है, मुझे इन दोनों को सही तरीके से बनाना है, उसके बाद इसको ग्रे करना है और बाकी सारी चीजें। तो अब मैं एक काम करता हूं, पहली चीज तो मैं कलर लगा देता हूं इसमें कुछ, टेबल का हमारा एक बीजी कलर हो जाएगा। तो टेबल का बीजी कलर, यहां पे मैं कलर कोड यूज कर रहा हूं, आप एज इट इज मेरे जैसा ही करें। तो कलर कोड हो गया आपका F2 F2 F2, ठीक है, तीन पेयर्स मतलब कि 6 बार, तो आपका वो ग्रे कलर आ गया। इसके बाद मैं टेबल का बॉर्डर, मुझे मालूम है कि कलर वगैरह सही है, तो मैंने उसको कर दिया यहाँ से रिमूव और जीरो कर दिया। सो ये कुछ ऐसा हो गया। सो इमेज तो बिल्कुल प्रॉपर है, मुझे इसको और इसको सीएसएस के अंदर रखना है। तो किस किस नेम से सीएसएस बनाना है हमें, हमें एक बनाना है सर्च फील्ड और एक बनाना है गो बटन नेम से। सो यहाँ पे आ गया मैं, और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आप स्टाइल टैग को। तो मैंने स्टार्ट कर दिया स्टाइल टैग, और क्योंकि कस्टम नेम है तो आप करेंगे यहाँ पे सर्च बी टी एन, ठीक है, इस नेम से हमने बना रखा है। तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा सबसे पहला तो विड्थ, विड्थ दे देता हूँ मैं यहाँ पे 400 पिक्सल्स, और चाहिए हमें हाइट, हाइट कर दिया मैंने 35 पिक्सल्स, और साइड से हमें कर्व चाहिए तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बता रखा है, वो होता है बॉर्डर रेडियस से, तो 5 पिक्सल्स। सेव करके पहले इतना ही मैं आपको चेक करा दूं। ऑलराइट, सर्च फील्ड नाम दिया मैंने उसको, सो ये हो गया। अब मुझे जाहिर सी बात है ये और बढ़ेगा, तो आई थिंक 600 से हमारा काम हो जाएगा, सफिशियंट है। सो इसको हम कर देते हैं 500, और हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है, इतना हमारा चल जाएगा, बराबर है। सो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो बॉर्डर कलर है वो ग्रीन है, और ऐसा ये उभरा उभरा सा नहीं है, जो ये आपको ग्रे बहुत ज़्यादा दिख रहा है वो नहीं है। तो उसके लिए भी थोड़ी बहुत सी ऐसा समय लगानी है। पहले तो मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूँ, कि जो बॉर्डर है बाय डिफॉल्ट उसको कर दे ये 1 पिक्सल्स सॉलिड ग्रीन, ठीक है, और कर दिया मैंने इसको सेव। तो चेक कर लेते हैं कि वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वो भी सही हो गया, ठीक है। इसके बाद चाहिए हमें इसी को एज इट इज मैंने कर लिया कॉपी, और हमें चाहिए हमारा गो बटन, तो उसके लिए सीएसएस लगा दिया मैंने गो बी टी एन, सेव कर दिया। उसके बाद विड्थ कर देते हैं हम लोग 100 पिक्सल्स, हाइट सेम रहेगा, बॉर्डर रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है। सो हाइट थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो 35 की जगह अगर मैं 40 पिक्सल्स ट्राई करूं, और अगर हम जूम करके चेक करें तो बराबर है, एक कम होना चाहिए, तो 39 से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब बटन जो है बाय डिफॉल्ट चाहिए हमें व्हाइट, और अंदर जो लिखा है वो ब्लैक, हमारे केस में वो ग्रे है।
थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाना है और माउस लेके जाने पे वो ग्रीन हो जाना चाहिए, तो वो भी सॉल्यूशन हमारे पास है। बटन जो बाय डिफॉल्ट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है, तो बटन का बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट चाहिए हमें वाइट। सेव किया मैंने और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो वाइट है। जो फॉन्ट कलर है वो ब्लैक है ऑलरेडी, तो मैं फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देता हूँ और 25 पिक्सल्स को हम ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा है तो 20 पिक्सल सफिशियंट रहना चाहिए, तो उसको मैंने सेव किया करके। ये भी बहुत ज़्यादा है, 18 ट्राई कर लेते हैं। ऑल राइट, इतना आई थिंक ठीक है। ठीक है, सो अब माउस लेके जाने पे कलर चेंज होना चाहिए, तो उसको हम कर लेते हैं फटाफट कि माउस लेके जाने पे कलर चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए आप बनाएंगे वापस हैश, नाम क्या है इसका, गो बी टी एन कोलन हॉवर। गो बी टी एन की जगह आप कुछ और रखें, यहाँ भी सेम रखना, लेकिन हॉवर आप चेंज ना करें। हॉवर होता है एक प्रॉपर्टी है, माउस लेके जाने पे क्या हो। तो माउस लेके जाने पे बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। सेव किया मैंने इसको और यहाँ पे आके मैंने इसको किया चेक, तो माउस लेके जाने पे वो ग्रीन हो रहा है। फॉन्ट कलर क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, तो उसको भी सही कर लेते हैं कि जो कलर है वो हो जाए वाइट, ताकि वो हमें दिखे एटलीस्ट। और कर दिया मैंने सेव। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा काम हो गया। इसके बाद हम चाहते हैं कि देखो, ये जो मैंने ARREF लगाया था ना इसके ऊपर, वो इसीलिए लगाया था कि जब इस पर क्लिक करें तो index.php पेज पे वापस चले जाए। वो कोड आपको मिलेगा यहां पे, देख रहे हैं आप, लोगों के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, मेन पेज के ऊपर चले जाए। डेट्स वाई मैंने उसको एंकर टैग लगा रखा है। अब हम चाहते हैं जो हम यहाँ पे सर्च करें, सर्च पे क्लिक करें तो हमारा सर्च वाला पेज ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने इंडेक्स पेज के ऊपर और इसको ओपन कर देता हूँ मैं नोट पैड के अंदर, कि फॉर्म का एक्शन हमें सेट करना पड़ेगा। जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, वो भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो फॉर्म का एक एक्शन मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, यहां पे एक फॉर्म टैग बना लेते हैं हम लोग फटाफट। और इसका मेथड रहेगा पोस्ट, ये डेटा भेजेगा। रिजल्ट डॉट पी एच पी, ठीक है, कि जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या हो, रिजल्ट डॉट पी एच पी पेज के ऊपर वो चला जाए। तो अगर हम रिफ्रेश करें, बटन के ऊपर क्लिक किया तो रिजल्ट डॉट पी एच पी आ गया। सेम हमारा ये भी वही काम करता है कि अगर हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो रिजल्ट डॉट पी एच पी आ जाता है हमारे केस में, खाली छोड़ेंगे तो खाली लिख के आ जाता है। लेकिन हमने वो काम कर लिया, हाँ वो रिजल्ट नहीं बताएगा हमें लेकिन वो अगले पेज पे जा रहा है, तो इतना काम तो हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब हम चाहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला काम, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो इमेजेस आने चाहिए और ये लिख के आना चाहिए मोर इमेजेस फॉर डोसा रेसिपी या जो भी है रिजल्ट के अकॉर्डिंग, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग मैं आ गया अपने पेज के ऊपर और यहां पे अब हमें स्टार्ट करना है हमारा पीएचपी। पीएचपी कहां पे, यहां पे। सो पीएचपी अब हमें स्टार्ट करना है और पीएचपी के अकॉर्डिंग हमें सारा कोड करना है, ठीक है। सो पीएचपी मैं यहां पे अप्लाई करने जा रहा हूं, तो मेक श्योर आप भी उसको देख ले। सो यहां पे स्टार्ट कर दिया मैंने अपना पीएचपी टैग और उसको कर दिया मैंने क्लोज। पीएचपी के अंदर हमें चाहिए एक टेबल, क्या है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। टेबल का कुछ बॉर्डर होगा, ऑल राइट, पीएचपी यहां पे स्टार्ट होगा। उससे पहले हम इसको स्टैटिक बना रहे हैं कुछ। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू, टेबल का बॉर्डर बाय डिफॉल्ट मैं ले लेता हूं 3, और नीचे आते हैं हम। इसके बाद बनाया मैंने स्टैटिक में एक टी आर, टेबल का रो। इस टी आर को यहाँ क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें डायनेमिक चीज़ें बनानी है। इसके बाद आप करेंगे पीएचपी को स्टार्ट और अब हमें डेटाबेस के अकॉर्डिंग काम करना है, तो इंक्लूड करना है हमें कनेक्शन फाइल हमारा, तो कनेक्शन डॉट पीएचपी को कर लिया मैंने इंक्लूड। तो इससे मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो चुका है और यहां पे आके मैंने चेक किया इफ इस सेट, अगर जो मेरा बटन क्लिक हुआ है, कौन सा बटन वो हमें यहां बताना पड़ेगा।
डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट कर ले उस वैल्यू को, कौन से बटन से वैल्यूज को गेट करें जो हमने मेन पेज में बना रखा है, जो कि हमारा इंडेक्स पेज है, कौन सा वाला, ये वाले बटन का जो भी आपका नेम है। तो मेरे केस में मेरे बटन का नाम क्या है हम चेक कर लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट नेम इक्वल्स टू सर्च, तो मैं इसको सर्च btn कर देता हूँ ताकि याद रहे सर्च बटन है ये, और मैंने इसका नेम दे दिया सर्च btn। यहाँ पे आके आप लिखेंगे सर्च btn, अगर उस बटन के ऊपर क्लिक होता है सर्च बटन के ऊपर, तो यहां पे आके मैंने बोला डॉलर सर्च कर, फिर अगर वो बटन के ऊपर क्लिक करता है तो सर्च कर, क्या सर्च कर, जो उसने लिखा हुआ है तो वो हमें गेट करना पड़ेगा। तो डॉलर अंडरस्कोर गेट, मैंने उसको गेट करा लिया कि जो भी वो लिखेगा ना उसको गेट कर ले। अब बंदा कहां पे टाइप करके बताएगा हमें, इंडेक्स पेज के ऊपर, मेन पेज के ऊपर, यहां पे, तो इसका भी मैंने कुछ ना कुछ नेम दे रखा है। इसका नेम दिया हुआ है मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू सर्च बार, ठीक है, तो मैं सर्च बार की जगह पे सर्च रहने देता हूं इसको, तो इसका नाम हो गया सर्च। तो बंदा जहां पे लिखे, तो मैंने कहा सर्च से वैल्यूज को पिक कर पहले, तो भाई अगर सर्च बटन क्लिक हुआ है तो क्या कर, सर्च कर, क्या सर्च कर, जो भी वो हमें सर्च वाले फील्ड के अंदर बता रहा है वो सर्च कर, ठीक है। इसके बाद आप आगे आ जाएंगे और आगे मैं आपको चेक कराऊं, तो यहां पे आपको लिखना है इफ, अगर डॉलर सर्च, जो भी हमारे पास सर्च है ना जो बता रहा है, इक्वल टू, इक्वल टू, अगर वो एम्प्टी है, कुछ लिखा ही नहीं बंदे ने कि क्या सर्च करना है तो क्या करे, तो मैंने कहा कि इको कर, मतलब कि प्रिंट कर, क्या प्रिंट कर, यहां पे मैंने बोला प्लीज राइट समथिंग इन सर्च बॉक्स, ठीक है, और मैं इतना सेव करके आई होप इतने पे हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो मैंने सर्च पे क्लिक किया तो फेल है, ओके, क्योंकि अभी प्रॉपर तरीके से कोड नहीं हुआ है, डेट्स वाई। सो मैंने कहा प्लीज राइट समथिंग इन द सर्च बॉक्स, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एग्जिट फंक्शन कॉल कर दिया कि यहां से बाहर आ जा, इतना करके, और मैंने कर दिया इसको सेव। इसके बाद हमारे पास इफ का जो ब्रेसेस है ना वो यहां पे हम इसको कर देंगे क्लोज। अब अगर खाली नहीं है, खाली होगा तो वो हमें मैसेज प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर खाली नहीं है तो क्या करे, तो उसका जाहिर सी बात है वो हमें हमें एक क्वेरी लगाना पड़ेगा ताकि वो सर्च करके दे। आप क्वेरी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेरी के अंदर मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारे टेबल का नाम, जहां पे हमारी सारी एंट्रीज प्रेजेंट है, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, एड अंडरस्कोर वेबसाइट, ठीक है। सो यहां पे आके मैंने उसको बोला एड अंडरस्कोर वेबसाइट कि सारा कुछ सेलेक्ट करे, कहां से, एड अंडरस्कोर वेबसाइट से, वेयर, जहां पे वेबसाइट का जो कीवर्ड है ना, ये सब क्या है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता रखा है, जहां पे जो कीवर्ड है बंदा क्या सर्च करेगा, यहां पे अगर वो लिखेगा डोसा, तो अगर आप नोटिस करो तो मैंने यहां पे आपको कीवर्ड्स लगा रखे हैं, मसाला पास्ता रेसिपी, हाउ टू मेक पास्ता, इंडियन स्टाइल पास्ता, ये वो, ये कीवर्ड्स हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी मैच हो जाता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ रिजल्ट फेच करके हमें लाके दे दे, ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं चीजों को मंगा रहा हूं, वेयर कीवर्ड लाइक, आप डायरेक्ट इक्वल टू नहीं लगा सकते कि यही होना चाहिए, हो सकता है एक आध वर्ड वो इधर उधर कर दे, उसके पहले भी कुछ हो सकता है कि अगर वो डोसा लिखे तो डोसा से पहले लिख सकता है वो हाउ टू मेक डोसा, राइट, डोसा रेसिपी लिख सकता है वो, मेन फोकस है हमारा कीवर्ड, उससे पहले क्या लिखे उसके बाद में क्या लिखे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। डेट्स व्हाई मैं यहां पे लाइक ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं, वेयर कीवर्ड लाइक, सिंगल कोट देंगे आप यहां पे और परसेंटेज लगाएंगे आप दो बार। परसेंटेज का मतलब होता है पहले क्या लिखा है मुझे नहीं मतलब, और बाद में परसेंटेज लगाने का मतलब है उसके बाद क्या लिखता है वो, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि भाई जहां पे कीवर्ड क्या हो, जो बंदा मुझे सर्च बॉक्स के अंदर बता रहा है वो, अगर वो डोसा लिखेगा तो मेन हो गया डोसा, डोसा से पहले क्या लिखता है वो इसके अंदर आ जाएगा, बाद में क्या लिखता है इसके अंदर आ जाएगा, ये ऑल का सिंबल है कि जो मर्जी लिखे फेच करके मुझे बता दे, और इसके बाद दे देंगे आप सेमी कोलन ताकि स्टेटमेंट हमारा हो जाए एंड। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट भी कराना है तो उसके लिए हम ले लेते हैं डॉलर डेटा इक्वल टू, और यहां पे मैंने लिखा माय एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी, और यहां पे आ जाएगा हमारा डॉलर कॉन जो कि हमारा कनेक्शन है, और डॉलर क्वेरी जिसको हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। ये सब भी मैंने आपको पीएचपी के लेक्चर के अंदर बता रखा है, दैट्स मैं यहां पे इतने डीप में नहीं करा रहा हूं उसको, राइट। सो
ये होने के बाद हमारा क्वेरी हो जाएगा एग्जीक्यूट। अब हमें चेक करना है क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर मैंने लिखा इफ अगर MySQL आई अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर रोज, मैं क्या कर रहा हूं, जो भी हमारा डेटा है ना उसको चेक कर रहा हूं कि अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो लेस देन एक है, कि जब डेटा को फेच कर रहा था वो इस क्वेरी को लगा के और एक से कम है मतलब कि जीरो है तो कुछ मिला ही नहीं ना, तो क्या करे वो एक स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर दे इको नो रिजल्ट फाउंड। ठीक है कि भाई मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जो तुम मुझे सर्च करने के लिए कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और क्या किया मैंने, एग्जिट फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, अब हो सकता है कुछ ना मिले लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा एंट्रीज हो हमारे पास, जीरो जीरो से ऊपर एंट्रीज हो हमारे पास, मतलब कि एंट्रीज प्रेजेंट है। तो क्या करना है मुझे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग मेरे केस में यहाँ पे इमेजेस शो कर देना है। अभी तक हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा इंटरफेस है। ठीक है, सो मुझे उसके अकॉर्डिंग चीजें शो कर देनी है। सो यहां पे अगर मैं आपको रिफ्रेश कर चेक करके चेक कराऊं तो अभी करेक्ट है, अगर मैं इसको खाली छोड़ के सर्च करता हूं तो भी ये हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस है। ठीक है, सो हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि अब हमारे पास वो बंदा कुछ ना कुछ टाइप करके बताएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या शो करना है, हमें इमेजेस शो करना है। तो यहां पे मैंने लिखा इको और इको में टाइप कर दिया मैंने ए HREF इक्वल टू, ध्यान से देखें वरना कोडिंग आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो यहां पे मैंने लिखा HREF इक्वल टू और इसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूं हैश, कि अगर एंकर टैग के ऊपर क्लिक हो तो कुछ भी ना करें। और लगा दिया मैंने स्टाइल टैग क्योंकि मैं CSS अप्लाई करने वाला हूं यहां पे, और स्टाइल के अंदर दिया मैंने इसको मार्जिन माइनस लेफ्ट 105 पिक्सल्स। ये क्या है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और इसके बाद मैंने ये कर दिया इसको क्लोज और बाहर आके यहां पे लिखा मैंने मोर इमेजेस फॉर डॉलर सर्च। ठीक है कि भाई जो तुमने सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कुछ और इमेजेस हैं। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया तो हमारे पास अनएक्सपेक्टेड 72 लाइन पे है। ठीक है, उसको तो हम रिमूव कर लेंगे और यहां पे मैं कर देता हूं सेमी कोलन और कर दिया मैंने इसको सेव। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है हमारे पास। ठीक है, ऑल राइट, सो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, एक बार पूरा कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं क्या है। सो ये करने के बाद मैंने उसको कहा कि हमारा वाइल लूप लगाए और हमारा फाइनल काम करके दे, हमें रिजल्ट्स को शो करके दे। तो मैंने लगाया यहाँ पे वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर डॉलर रो जिसको हम पिछले लेक्चर्स में रिजल्ट्स के अंदर कंसिडर करते थे, आप चाहें तो रिजल्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिया मैंने MySQL आई अंडरस्कोर फेच कि भाई मुझे फेच करके दे मेरे डेटा को, और जब फेच करे ना तो उसको एक एरे में स्टोर कर ले, किसको, जो भी हमारे पास डेटा वेरिएबल के अंदर है उसको। तो मैंने उसको ये कहा, अब जो भी हमारा आंसर है ना फेच होने के बाद वो एक एरे में स्टोर हो चुका है, और यहां पे आके मैं उसको कहता हूं कि आंसर जो है हमारा उसको टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले करके दे दे। तो उसके लिए मैंने बना दिया TD, इसका टेबल जो है वो हमने ऊपर बना रखा है स्टैटिक तरीके से। TD के अंदर क्या कर, हमें इमेज शो करके दे IMG SRC। ठीक है, तो मैंने लिखा IMG SRC इक्वल टू कि हमें इमेज को शो करके दे दे। इमेज किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पास सारा काम हमने रो के अंदर रख दिया है एरे के अंदर। तो मैंने उसको कहा कि रो फोर्थ, फोर्थ क्यों, क्योंकि ये एरे में आ चुका है और एरे जीरो से स्टार्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग 0, 1, 2, 3, 4 जो इमेज है वो चौथे वाले में आ चुका है। राइट, सो मैंने उसको कहा कि मुझे इमेज शो करके दे दे और जो इमेज का विड्थ है ना उसको रख 200 पिक्सल्स, हमें छोटे छोटे इमेज चाहिए। और मैंने कर दिया इसको सेव,
इसके बाद आप आएंगे बाहर और यहां पे आप कर देंगे अपने टीडी को क्लोज। इसके बाद आपका डबल कोट हो जाएगा क्लोज और सेमी कोलन आप कर देंगे एंड। सेमी कोलन के बाद आपका एक ब्रेसेस, दो ब्रेसेस और ये उसके बाद बाहर आकर के टी आर क्लोज हो जाएगा आपका। और आई होप अब तो काम करना चाहिए इसको, क्योंकि ये फिलहाल यहां पे कुछ शो नहीं कर रहा है हमें। सो अगर मैं एम्प्टी क्लिक करूं तो उसको मैसेज शो होना चाहिए था कि कुछ करे, लेकिन उसने मैसेज हमें नहीं दिया। दूसरा रेसिपी लिखा मैंने और सर्च किया तो यहां पे हमारे पास उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आए हैं। सो वो हमें मैच करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, क्यों नहीं आया है, क्योंकि कोई एरर भी नहीं है ना हमारे पास। सो मैंने किया इसको सर्च बटन और कनेक्शन मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। कनेक्शन हमारे पेज का नाम है या नहीं है, कनेक्शन ही है, मैंने चेक कर लिया इसको और मैंने ओपन कर लिया अपना इंडेक्स फाइल। यहां पर मैंने चेक किया तो जो हमारा इनपुट टाइप है हमें लगाना है फॉर्म, एक्शन हो गया ये, मेथड हो गया हमारे पास ये। ऑलराइट, तो हमें कहता नो रिजल्ट्स फाउंड कि भाई जो तुम कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं है। अब नहीं है ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि नूडल्स और डोसा के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट्स तो हैं, तो एक एरर भी है लाइन नंबर 66 पे। कौन से पेज में? रिजल्ट डॉट पी एच पी के ऊपर। तो लाइन नंबर 66 पे अगर हम जाएं तो वो कहता कि भाई माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज, ये क्या है मुझे नहीं पता। और एरर क्या दे रहा है वो, एक पैरामीटर चाहिए उसको लेकिन बूलियन इज गिवन है। मैंने कहा चलो ठीक है कुछ सर्च खाली छोड़ देते हैं, इसको खाली छोड़ते हैं। तो कहता प्लीज राइट समथिंग इन द बॉक्स, ये हो गया हमारा करेक्ट। और हम अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो हमें कहता कि मेरे पास इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं है। तो उसको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। सो यहां पे हो जाएगा हमारे पास इफ माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर नम अंडर स्कोर रोज डेटा लेस देन वन, तो क्या करे, इको करे, डबल कोट्स के अंदर मैसेज दिया और ये हो गया। और मैंने कर लिया एग्जिट फंक्शन को कॉल, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे। तो इसके ऊपर मैं चेक करता हूँ क्या है, डॉलर डेटा इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्वेरी, यहाँ पर आ जाएगा कौन, यहाँ पर आ जाएगा क्वेरी, ठीक है, ये भी बिल्कुल बराबर है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एड वेबसाइट वेयर वेबसाइट कीवर्ड्स कीवर्ड्स, जहाँ तक मुझे याद है ये कीवर्ड्स ही था हमारे पास, या कीवर्ड्स है हमारे पास। होप सो इससे आंसर आ जाए हमारा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, एक बार आपको चेक करा दूं। खाली छोड़ेंगे तो भाई प्लीज राइट समथिंग इन द सर्च बॉक्स, ये हटा लेंगे हम बॉर्डर, डोंट वरी। अगर आप सही लिखेंगे डोसा रेसिपी तो डोसा के अकॉर्डिंग हमारे पास सारे डोसा के इमेजेस आ जाएंगे। अगर आप सही लिखेंगे नूडल्स तो नूडल्स के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स मैच हो जाएगा और वो नूडल्स के इमेजेस आपको दे देगा। हम क्या चाहते हैं कि सिर्फ चार इमेजेस आए, तो हमें यहाँ पे लिमिट लगाना पड़ेगा। जो भी हम सर्च करा रहे हैं ना वहाँ पे हमें देना पड़ेगा इसका कुछ लिमिट। तो यहाँ पे आके मैंने दिया इसको लिमिट 0.4 कि भाई सिर्फ चार एंट्रीज पास कर, इतनी एंट्रीज मुझे मत दिखा। वो जब मोर पे क्लिक होना तब आना चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पे देख रहे हो आप ये जो आपको गैप दिख रहा है ना इस जगह पे, वो आपको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऊपर लगा रखा है यहाँ पे CSS स्टाइल AHREF की क्लिक हो तो कुछ भी ना हो, मोर इमेजेस लेफ्ट से मार्जिन दे रखा है मैंने उसको। सो मैंने चार की लिमिट कर दी, बाकी वो गायब हो गया। सेम हम मार्जिन इसको भी सेट कर देते हैं अपने इस टेबल को भी, कि जो टेबल है ना हमारा इसका भी मार्जिन थोड़ा सा ना इसके बराबर में आ जाए, जैसे कि इस केस में है। और गूगल भी एग्जैक्टली लेफ्ट से आपको मार्जिन शो करता है, तो मैं इसका भी मार्जिन शो कर देता हूँ। तो मैं आ गया अपने फॉर्म के अंदर और सीरीज या ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा जा रहा है आई नो, लेकिन है काफ़ी कुछ है इसमें करने के लिए। तो आप ऊपर जाएंगे और जहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया हुआ है ना ये वाला, सो यहाँ पे दे दिया मैंने इसको स्टाइल और यहाँ पे आ जाएगा हमारा मार्जिन लेफ्ट। लेफ्ट से मार्जिन छोड़ना है, कितना मार्जिन छोड़ना है मैंने उसको कहा भाई 100 पिक्सल्स ट्राई करते हैं पहले, तो हमारे पास वो 100 पिक्सल्स पे सफिशिएंट है, ठीक है। इसका फॉन्ट वगैरह भी इंक्रीज करना पड़ेगा तो वो तो आप कर लेंगे, तो मैं खुद भी कर दूंगा डोंट वरी। अब क्या करना है हमें, बॉर्डर को हटा देना है कि भाई सारा काम तो हो गया तो बॉर्डर क्यों शो करे। तो बॉर्डर कर दिया मैंने 0, तो अब हमें वो उसके अकॉर्डिंग ना ये शो कर रहा है। तो अब अगर आप खाली भी छोड़ते हैं ना पिछले फॉर्म को तो अब वो आपको शो नहीं करेगा, प्लीज राइट समथिंग, ये आपको सेंटर में लेके आना है। वो हम फटाफट कर देते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो सेंटर में आया, तो आप सेंटर टैग वगैरह लगा लेंगे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा क्योंकि ये ट्यूटोरियल बहुत बड़ा होता जा रहा है। सो यहाँ पे अब जो आप सर्च करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वो रिजल्ट्स दे रहा है। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, कोड बहुत टफ है इसका, थोड़ा भी इधर उधर आप कर देंगे तो हो सकता है आपका आंसर ना आए।
तो उसके लिए कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। 49 कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से देख देख के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिफर यही करूँगा कि आपको ये सारी इमेजेस वगैरह बाय कर लेनी चाहिए। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेक श्योर अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, और सेकंड चैनल को भी आप सपोर्ट करें, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई डाउट है कोई फीडबैक है तो कमेंट करें। अगर वो क्लियर नहीं हो पाता है तो फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।